फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता और वंस अगेन आज हम आए हैं एक न्यू ओरिगामी के लिए। आज हम बनाएंगे एक वॉच। इसके लिए हमें क्या चाहिए? ग्लू और एक स्क्वायर शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्वायर शीट ली हमने, उसको डायगोनली फोल्ड करा और उसके बाद ओपन करके उसको एक बार फिर से फोल्ड करा, इस वाली साइड से भी ऐसे फोल्ड करा और एक बार फिर ऐसा शेप बन गया और इसको एक बार फिर से हमने फोल्ड करना है ऐसे और इसको एक बार और। ये कुछ इस तरह की शेप हमारी बन गई है, आप देख सकते हो। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको उल्ट बैक साइड पे टर्न करना है और इसको ट्रायंगल को ट्रायंगल के साथ ज्वाइन करना है। ऐसा करने के बाद हमने यहां पे ओपन करके और यहां पे हमने एक वी बना देनी है, छोटी सी वी, वी टाइप्स बना के और इधर भी इस साइड पे ऐसे इधर वी कर लेनी है और फिर हमने इस डायगोनल को ओपन करना है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ऐसे ए बन गया और इसमें सेंटर में इसके सेंटर को ऐसे प्रेस कर दिए और जो डायगोनल शेप्स हैं इन दोनों को बाहर निकाल लीजिए। ये डायगोनल को डायगोनल से मैच कर दिया और इस वाले डायगोनल को इस वाले डायगोनल से हमने मैच कर दिया। इसके बाद हमने बस ऐसी शेप बन गई। अब हमने करना क्या है, इधर को ऐसे फोल्ड कर लेना, इस वाली साइड को ऐसे और इसको उल्टा करके इस साइड को ऐसे और इस साइड को हमने ऐसे फोल्ड कर देना और उसके बाद हमारी इस तरह की शेप आ जाएगी। इसको हमने फोल्ड कर देना है और इस वाली साइड पे भी और फिर हमने इसको ओपन कर लेना और ओपन करने के बाद हमारे पास ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा और इसके दो पैनल्स आ जाएंगे। ये कुछ ऐसी आपको दिखेगी। फिर इसके बाद हमने एक स्क्वायर पीस लेना है, उस पर हमने क्लॉक नंबर्स राइट डाउन कर देने हैं और उसको इसके ऊपर हमने चिपका देना है। एंड आप देख सकते हैं ये हमारी हो गई है वॉच रेडी। और उसके बाद हमने क्या, ये वॉच ली, इसको ऐसे ली, इसको सीधा पकड़ा और इसको टर्न करके ये जो हमारा पैनल बना है उसको इसके अंदर इंसर्ट करा और सीधा करा। ये हमारी वॉच रेडी।